अबे हम सब लोगों ने बच्चों को बच्चे वाली हरकत करते हुए जरूर देखा है, पर ऐसे हरकतें करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मेरे को तो लग रहा है बच्चे इन्होंने गले मिलने से इतना परेशान नहीं जितना कि उसकी टॉफी अगर उसने ले ली हो और तब परेशान हो जाता है। जिस उम्र में बच्चे हैं उस उम्र में अगर मैं होता ना, मैं तो सिर्फ क्रैक्स में जब मेरी चीज निकलती मैं तब रोके दिखाता। अच्छा तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। बेटा जाओ पहले पता करो तुम्हारा बाप कौन है, ठीक है ना? मैं तो पापा हूँ। और बच्चों पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अबे दीदी तुम कह रही हो 7,000 के जूते, यहाँ जेब में 7 रुपए नहीं है, 7,000 का मैं मरवा के लाऊंगा। इस वीडियो के बाद तुम लोगों को पता चलने वाला है तुम लोग रोज मौत से खेलते हो, पर तुम लोगों को पता नहीं वो वकील साहब होंगे ना। हाँ अंदर ही है सर, चले जाइए। नमस्कार वकील साहब, ये जमीन के कागज लाया था, आपने कहा था ना सोमवार के दिन रजिस्ट्री करा दोगे। पागल है क्या बदतमीज? क्या हुआ पापा, पादाई तो था मैंने। तो बदतमीज बच्चा आपका, इसको मैनेज नहीं सिखाया आपने। वकील साहब माफ कर दो, गलती क्या माफी मांग रहे हो पापा, अपनी क्या गलती है इसमें, इंसान पालेगा भी नहीं क्या? अरे भाई तू पादने के लिए किसी ने मना नहीं किया, बट किसी के मुंह पे जाकर उसके सर पे तू ऐसे पाद रहे पूर्ण करके। आपको इतना नहीं पता पाद रोकने से, टॉयलेट रोकने से इंसान की मौत हो सकती है। बेटा तो जिसको बता रहा है ना वो खुद 4 दिन से रोक के बैठा हुआ है, उसकी आवाज से पता चल रहा है। वो तो क्या, वो तो पादने में शर्म नहीं करना चाहिए अंकल, इसीलिए टाइगर श्रॉफ ने भी उस दिन शर्म नहीं करी थी। आज तुम लोग मिलने वाले हो जानकी सिंह की टीचर से। सिंगर कभी कभार से गलती से सही गाना गा लेते और ठीक आवाज में है, और मैं ऐसा गाना गा के अगर पोस्ट कर दूं भाई मैं उस दिन जहर खा के मरने को तैयार हूँ। मैं सोते हुए भी इतना बुरा गाना नहीं गा सकता जितना बुरा गाना ही संटी ने गा के सुनाया। यार मेरे कान के पर्दे खराब हो गए। और आंटी की पड़ोस की आंटियों से निवेदन है, प्लीज इनको कभी कीर्तन में मत बुलाना और वीडियो को भी पोस्ट मत कर देना, वरना आप लोग इतना बुरा हाल होगा मैं नहीं जान सकता।